मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस के आदेश को धता दिखाकर जोर शोर से किया जा रहा अवैध खनन। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडल आयुक्त के माध्यम से दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि जैसा ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। बुंदेलखंड में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी एवं खनन विभाग के पूरे अमले की संलिप्तता से काफी बड़ी मात्रा में लगभग सभी वैध एवं अवैध खनन घाटों व खेतों पर अवैध खनन लगातार किया जा रहा है। मेरे द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के दोनों मंडलों के अधिकारियों से अवैध खनन का वीडियो जब भी ट्विटर पर डाली जाती है तो कभी कभी छोटी बड़ी कार्रवाई अमल में लाकर अवैध खनन में प्रयोग की जा रही पनडुब्बी, पोगलिंग मशीन व डंपर को पकड़ा जाता है और बिना गिरफ्तारी के छुटपुट कार्रवाई कर छोड़ दिया जाता है। मेरे पास अवैध खनन होने के पर्याप्त साक्ष्य पेन ड्राइव में हैं, परंतु आप मानवर जब भी झांसी आते हैं तो मुझे आपसे मिलवाने की जगह नजरबंद कर दिया जाता है। वर्षा काल में घाट तो बंद कर दिए जाते हैं, पर घाटों के आसपास पहाड़ रूपी बालू का भंडारण कैसे किया गया यह किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम लोगों ने यहाँ मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन यहाँ दिया है जिसमें अवैध खनन की शिकायत की है। पूरे बुंदेलखंड में जोर शोर पर अवैध खनन चल रहा है, जबकि सरकार की एक अपनी नीति है कि जीरो टॉलरेंस अवैध खनन पर। हमारे अमित शाह भी झांसी में बोल रहे थे कि अगर यहाँ अवैध खनन रुक जाए तो हर बुंदेलखंडवासी को एक मारुति कार मिल जाएगी। अभी तक एक ऐसा बुंदेली बता दिए जैसे मारुति कार मिल गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाहे वो खनिज विभाग के पूरे अधिकारी हों, चाहे लोकल प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हों, इन सबकी संलिप्तता है तब तो ये अवैध खनन हो पा रहा है, हमें मारुति कार नहीं मिल पा रही। लेकिन आज हमारी बात हुई जब अपर आयुक्त से, मंडल आयुक्त जी से, तो उन्होंने स्पष्टता से SDM जी को निर्देश दिए और हमें लगता है कि जो फिलहाल जो अनियमितताएँ हो रही हैं उस पर ज़रूर कोई प्रभावी कार्रवाई होगी, लेकिन अवैध खनन जब तक नहीं रुकेगा तब तक हमारे बुंदेलखंड का सीना छलनी होता जाएगा और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।